जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म में। वह आचार्य संध्या सक्सेना। आज का जो वीडियो देने आई हूँ वो थोड़ा अलग है, हटके है। ये वीडियो रिकमेंडेशन पे है, मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था, बहुत टाइम से मैसेज कर रहे हैं कि एक अलग कम्युनिटी है, मैं नाम नहीं लूँगी। वो कहते हैं कि हमारे 5-5 लड़कियाँ हो गई हैं, 6 लड़कियाँ हो गई हैं, कोई कहता है हमारी 8 लड़कियाँ हो गई हैं, दीदी हमें एक लड़के की बड़ी इच्छा है, आप क्या कोई तरीका बताएंगे जिससे लड़का हो जाए। तो एक छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ, इसे करिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। देखो मेरे 2 चैनल हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, दूसरा है ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल। दोनों को ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी का बटन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं कोई तांत्रिक या बाबा नहीं हूँ, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, सिंपल एस्ट्रोलॉजर। अगर आपको समस्या है तो मैं उसका जो भी आपका निराकरण कर सकती हूँ करूँगी। मुझे बार बार कॉल या मैसेज करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको जरूरत ना हो मुझे कॉल या मैसेज मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। 8126476399 मेरा नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं अगर आपको अर्जेंसी हो बहुत ज़्यादा। अगर आपको मुझसे कोई सामान चाहिए, सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है, अगर आपको मुझसे कोई सामान चाहिए तो 9027228840 9027822840 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं सामान का नाम लिखकर कि आपको क्या चाहिए। चाहे आपको कोई रुद्राक्ष चाहिए है, आपको कोई गुंजा की माला चाहिए है, चाहे आपको कोई स्टोन चाहिए, पत्थर चाहिए है, मेरा बहुत चीज़ें हैं और यूनिवर्स में बहुत सारे लोग मुझसे इंटरनेशनल लेवल पर सामान मंगाते हैं। कुछ जड़ें होती हैं बहुत काम की होती हैं, जैसे जामुन की जड़, उसके कुछ प्रयोग होते हैं, गुंजा की जड़ के प्रयोग होते हैं, सहदेवी की जड़ वशीकरण के लिए प्रयोग होती है, मोहिनी जड़ी होती है वशीकरण के लिए प्रयोग होती है, ये सब लोग मंगाते हैं इसलिए बता रही हूँ। गुंजा बहुत मंगाते हैं लोग इसलिए बता रही हूँ। सुअर का दांत मंगाते हैं, 12 टीथ होती है, ऐसे बहुत सारा सामान है। मालाएँ होती हैं, हकीकी माला, काली हकीकी माला, पीले हकीकी माला, सबका अपना अपना प्रयोग होता है, मंगा सकते हैं आप। तो आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपको भी इच्छा है कि आपके पुत्र संतान हो, नर संतान हो, तो क्या करना है, एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। यदि आप नर संतान की चाह रखते हैं तो 2 कैटेगरी है, अगर आप पैसे वाले हैं या पैसे वाले नहीं हैं, दोनों तरफ से बताऊंगी। आपको क्या करना है, जब भी आप संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं उससे पहले से ही आपको एक नारियल खरीद के लाना है, जो पानी वाला नारियल होता है जिसका हम पानी पीते हैं, हरे वाले रंग का जो होता है ना, उसको खरीद के लाएंगे। खाली पेट आपकी पत्नी को उस नारियल के पानी को पीना है, खाली पेट पिएगी वो, ठीक है, सुबह बिना चाय पिए खाली पेट नारियल का पानी पीना है। और चाय तो फिर भी ले सकती है लेकिन खाना कुछ नहीं है, खाली पेट बिना खाए नारियल का पानी पिएगी। और नारियल का पानी पीने के बाद उसके अंदर की एक मलाई होती है उसको निकाल के रख लेगी, वो नारियल का जो मलाई होगी थोड़ी सी खा लेगी, बाकी फ्रिज में रख देगी, फिर नेक्स्ट डे फिर उसमें से थोड़ा सा मलाई खा लेगी, उसके नेक्स्ट डे भी थोड़ा सा मलाई खा लेगी। यानी कि नारियल का पानी पीने के बाद अगले 2-3 दिन में उसकी मलाई जो होती है उसको फ्रिज में रख दीजिए, खाना शुरू कीजिए खाली पेट। जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी पत्नी को डेली नारियल का पानी पिलाएंगे। मैंने दोनों ही तरीके से इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग 50 रुपये का नारियल आता है, कुछ लोग कहेंगे कि दीदी हम इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, हर तरह की दुनिया है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे क्योंकि 50 रुपये के हिसाब से होता है एक महीने का लगभग 1,500 रुपये, कुछ लोग कहेंगे कि 1,500 रुपये की बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप 1,500 की कोई आपको बोलेगा कि लड़का पैदा नहीं हो कि मैं दवा दे रहा हूँ 2,000 रुपये महीना लगेगा, तो आप वहाँ पे भी जाके जाओगे। तो अगर आप कर सकते हो तो डेली आपको नारियल का पानी पिला दो। नहीं कर सकते हो तो एक नारियल ले आइए, उसका पानी आप सुबह अपनी पत्नी को पिला दीजिए और उसके अंदर के जो मलाई होगी उसको नेक्स्ट 2-3 दिन फ्रिज में रखकर उसे खिला सकते हैं, साफ सही रहेगी। फिर आप पानी ले आइए, नारियल ले आइए हरे वाला, फिर आप उसको पानी पिला दीजिए और उसकी जो अंदर की मलाई होती है उसे फ्रिज में रख दीजिए, 2-3 दिन तक खिलाइए। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो डेली नारियल का पानी अपनी पत्नी को पिलाएंगे। डेली पिलाना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो नहीं पिला सकते हैं तो उसकी भी कोई बात नहीं है। तो नारियल का पानी जो लोग रोज पियेंगे और उसके अंदर की थोड़ी सी मलाई खाते हैं, ठीक है, वो क्या होगा,
ये आपके शरीर के अंदर नर संतान को बनाना शुरू कर देगा। अगर आप प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेकर आपकी प्रेगनेंसी के 5वें महीने तक में डेली नारियल का पानी पी रहे हैं, और साथ में आप उसके साथ साथ जो नारियल का पानी तो पी रहे हैं और उसके साथ साथ में जो भी आप खा रहे हैं, तो ये जो मैंने आपको प्रयोग बताया ना, इसको प्रेगनेंसी के पहले दिन से ही स्टार्ट करना है और 5वें महीने तक आप इसको रोज़ खाएंगे। अगर आप इसको खा लेंगे तो शर्तिया गारंटी से नर संतान होती है, और वो भी बहुत खूबसूरत होती है, एकदम वाइट सफ़ेद रंग का। जो लोग पूरी प्रेगनेंसी में यानी कि 9 महीने तक ये प्रयोग करते हैं, उनकी तो औलाद ऐसी होती है जैसे दूध, एकदम वाइट। और जो लोग से पहले दिन से लेके 5वें महीने तक करेंगे, उनकी संतान सुंदर होगी बहुत, लेकिन नर संतान होगी। और जो पूरे 9 महीने पीते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5वें महीने तक संतान का पता चल जाता है कि वो मादा है या नर है। इसलिए आपको पहले दिन की प्रेगनेंसी से लेके 5वें महीने तक इसको पीना है, खाना है, आपके नर संतान होगी। दूसरा उपाय क्या है कि यदि आप पुत्र की चाह रखते हैं तो मालती के फूल आते हैं और सफ़ेद रंग की सरसों आती है। मालती के फूलों को और सरसों को किसी बर्तन या जार में भर लीजिए, और जब भी आप नहाने जाते हैं तो आप पति या पत्नी दोनों मिलके थोड़ा सा उसमें से पीली सफ़ेद सरसों, थोड़ी सी सफ़ेद सरसों और थोड़ा सा मालती के फूल 2-4 पत्तियां तोड़ के आपका जो पानी है उसमें डाल दीजिए, उससे नहाइए, इससे नरसंतान होने की जो संभावनाएँ वो बढ़ जाती हैं। तीसरा क्या है, जटा वाला जो नारियल होता है ना, एक जटा वाला नारियल जो होता है जो हम देवी को अक्सर चढ़ाते हैं, उसको खोल के फोड़िए तो उसके अंदर से नारियल का बीज निकलता है। तो कोई भी ऐसी लड़की जिसका आपको पता चले कि ये प्रेग्नेंट है और अभी इसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, मतलब प्रेगनेंसी शुरू हुई है, 1-1.5 महीना ही हुआ है, 2 महीने भी हुआ है, 3 महीने से पहले, तो उस लड़की को मंगलवार या संडे को या मंगलवार को खाली पेट आप वो बीज खिला दीजिए। मतलब कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है और उसको लड़के की इच्छा है, आप चाहते हैं कि उसको बेटा हो जाए, तो जो संडे होते हैं और जो ट्यूसडे होते हैं, या संडे या ट्यूसडे दोनों में से किसी एक दिन को बांध लें। अगर आप संडे बांध रहे हैं तो आप संडे ही बांध देंगे, अगर आप ट्यूसडे बांध रहे हैं तो आप ट्यूसडे ही बांध देंगे। आपको हर संडे को, हर ट्यूसडे को, जब तक उसकी प्रेगनेंसी के 5 महीने नहीं हो जाते तब तक आप उसको वो बीज खिलाइए। अब इतने बीज आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, यानी कि अगर 5×20 मतलब 20 नारियल खरीदेंगे, उन 20 नारियल को तोड़ेंगे, हर नारियल के अंदर से बीज निकलता है, अब वो बीज लेंगे, उस बीज को आपको उस बच्ची को खिलाना है जो प्रेग्नेंट है। अगर किसी की प्रेगनेंसी में 3 महीने से कम का समय हो तो ही खिलाएंगे, जैसे पहला महीना है, दूसरा महीना है, या अभी अभी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, उन्हीं को खिलाना है। जिनकी प्रेगनेंसी को 3-4 महीने हो चुके हैं उस पर ये फॉर्मूले कोई भी लागू नहीं होगा, ना मालती के फूल वाला लागू होगा, ना नारियल वाला लागू होगा, समझ गए। ये तभी करना है जब आप प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हो या प्रेगनेंसी चढ़ गई है और अभी 1-1.5 महीना है। अच्छा, ये पता है मैं आपको उपाय क्यों बता रही हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे को बहुत दिनों से मैसेज कर रखा है, उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर आप लड़का पैदा होने की दवा मुझे बता देंगी तो मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगी। मैंने उसको बोला था अगर पैसे कमाने के लिए दुकान खोलनी होती ना तो सबसे ज़्यादा ग्राहक मेरे पास ही हैं, क्योंकि भगवान गणेश की कसम, आप अभी भी मेरा मोबाइल चेक करेंगे 8,000 मैसेज पड़े हैं उसमें, 8,000 मैसेज बहुत होते हैं। अगर ये 8,000 लोगों के मैसेज पढ़ पढ़ के मैं इनको जवाब देना शुरू करूँ और सबसे पैसा कमाऊँ तो मैं तो रातों रात करोड़पति हो जाऊँगी, इतना मैं भी जानती हूँ। लेकिन ऐसी लालसा, गंदी लालसा मेरी नहीं है, मुझ पर भगवान श्री गणपति की इच्छा है, कृपा है, वो मेरे को जैसे कहते हैं संधू कर ले, मेरा घर का नाम संधू है, वैसे ही मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि किसी को 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, अगर इससे ही आपका काम हो जाता है तो काहे को पैसा बर्बाद करना। मुझे 1,00,000 रुपये नहीं चाहिए, अगर किसी का मेरे किसी भी उपाय से काम बनता है या जिसने भी मेरा कोई भी उपाय किया हो, तो बस मेरी एक ही गुजारिश है कि मंदिर में मेरे नाम से 11 रुपये दान कर देना और किसी भूखे को मेरी माँ लक्ष्मी के नाम से खाना खिला देना, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और रही बात आपके 1-1.5 लाख रुपए देने की,
तो मुझे आपका 1,00,000 रुपए नहीं चाहिए। आप वो पैसे से ना किसी गरीब की मदद कर देना, छोटी छोटी बच्चियों की मदद कर देना, किसी की शादी करा देना, बहुत पुण्य लगेगा आपको, ठीक है। और मुझे भी लगेगा, इसलिए क्योंकि मैं आपको सही रास्ता दे रही हूँ। भगवान के कान में पड़ ही रहा होगा इस समय, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितना पुण्य कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि दिया हुआ दान, दिया हुआ ज्ञान, दिया हुआ पुण्य वापस पलट के आता है। जो दान करोगे तो आपकी पुश्तें खाएंगी, जो पुण्य करोगे तो आपकी पुश्तें खाएंगी, और जो ज्ञान दोगे तो वो ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। मेरे वीडियो सबके लिए हैं। अगर मेरे वीडियो को देख कर कोई गलत प्रयोग करेगा, किसी का नुकसान करेगा, माँ बगलामुखी कसम वो बहुत रोएगा और वो परेशान हो जाएगा ज़िंदगी भर। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे वीडियो का गलत प्रयोग मत करना, ठीक है, हमेशा से बोलती हूँ। अगर आपको लगता है आप किसी का नुकसान करने जा रहे हो तो मेरे वीडियो का प्रयोग मत करना, आपको बहुत नुकसान होगा, आपका भी होगा और आपके अपनों का भी होगा, मत करना। जब तक आपकी सच में कोई, जैसे कि मान जाए किसी ने, अभी एक दुबई से एक फ़ोन आया था, उनको फंसा रखा है 12.5 करोड़ रुपए में। उन्होंने सारे मुझे लीगल पेपर्स भी भेजे थे, व्हाट्सअप किए थे, कुछ ऐसा ही था उनका मैटर। उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया, मरघट की क्रिया, ये क्रिया वो क्रिया सब करवा रखी है। वो करवा सकते हैं, वो करें, मेरे वीडियो बिंदास होके करें। मैंने उनको बोल रखा है आपको करो, आपको देवी का आशीर्वाद मिलेगा, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी को लूटने के लिए, क्योंकि वो दुबई में अरबपति हैं, इसलिए उनके लिए छूट है, ठीक है। अगर मरने की कंडीशन हो गई है तो आपके लिए भी छूट है, आप फिर तब यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मत करना, नुकसान मत करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और